भाइयों बहनों, मुझे बताया गया है कि नामदार ने कहा है कि वो नॉर्थ ईस्ट को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाएंगे। इतने वर्षों तक कांग्रेस के शासन में यहां क्या मैन्युफैक्चरिंग फैक्टर हुआ, मैन्युफैक्चरिंग में क्या काम हुआ, दो कदम भी चले क्या, ये मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। उन्होंने कुछ किया है क्या? कोई मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए क्या? हां, ये लोग कुछ चीजें मैन्युफैक्चर करने में एक्सपर्ट है, मास्टर है। ये गाली गलौज मैन्युफैक्चर करने में मास्टर है, ये झूठ मैन्युफैक्चर करने में मास्टर है। आपको याद है, कुछ महीने पहले तक देश भर में घूम घूम कर कहते फिरते थे, मेक इन इम्फाल मोबाइल बनाएंगे, भोपाल में जाएंगे तो कहेंगे मेक इन इंडिया भोपाल बनाएंगे, बनारस जाएंगे तो कहेंगे मेक इन इंडिया बनारस बनाएंगे। ये ऐसे ही बोलते रहते थे। जब इनको किसी ने बताया कि आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन बनाने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है और 5 वर्ष में मोबाइल फोन बनाने वाली फैक्ट्रियां, उनके जमाने में 2 थी, आज 125 हो गई है। जब ये किसी ने उनके दिमाग में इंजेक्शन डाल करके भरा, तब उनको पता चला और अब जाकर के मेक इन इंडिया मोबाइल बोलना बंद कर दिया उन्होंने। भाइयों और बहनों, कांग्रेस को नॉर्थ ईस्ट की चिंता होती तो इम्फाल सहित यहां की सभी राजधानियां अब जाकर से रेलवे से अब जुड़ी है, वो पहले जुड़ जाती है। यहां अच्छे हाईवे और सड़कें बनाने का काम मोदी को करने की जरूरत नहीं पड़ती। एयरपोर्ट से जुड़े प्रोजेक्ट्स इतने लंबे लंबे समय तक लटकते ना रहते। डोलाई थाबी बैराज को बनाने के लिए मोदी का इंतजार न करना पड़ता। साथियों, मणिपुर सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट में स्पोर्ट्स का टैलेंट तो पहले से ही था, लेकिन कांग्रेस ने कभी चिंता नहीं की। मैरी कॉम, कुंजू रानी देवी, मीराबाई चानू, बम्बायला देवी, लेशराम, ऐसे अनेक एथलीट ये मणिपुर की धरती ने दिए हैं। हजारों ऐसे टैलेंटेड बेटे बेटियां यहां के गांव गांव में मौजूद है। हमारी सरकार ने नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने के साथ साथ मणिपुर को देश का स्पोर्टिंग हब बनाने की तरफ कदम बढ़ाए हैं। साथियों, वैसे कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत से खेल खेले हैं, पर ये खेल उसने आप लोगों की जिंदगियों से खेले हैं, आपके सम्मान के साथ खेला है। मणिपुर के लोग तो फुटबॉल के खेल में चैंपियन है। हमारे मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह जी भी खुद फुटबॉलर है। अब राजनीति की इस फुटबॉल में हर बार आपके साथ, पूरे नॉर्थ ईस्ट के साथ फाउल करने वाली कांग्रेस को रेड कार्ड दिखाने का वक्त आ गया है। दिखाओगे ना? उन्हें मणिपुर समेत
पूरे नॉर्थ ईस्ट से इस बार भी रेड कार्ड दिखाकर अगले सारे राजनीतिक मैचों के लिए साइड पर बिठा दीजिए।